स्टूडेंट्स वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्काउंट रिसीव फॉर क्रेडिटर। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? इनकम होती है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना यार। व्हेन द कंपनी डिपॉजिट कैश इन बैंक विच इज द नेचर ऑफ डिपॉजिट। व्हेन द कंपनी डिपॉजिट कैश इन इट्स बैंक अकाउंट, जब बैंक इट इज लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, बैंक की जिम्मेदारी है कि वो वापस करे। All of the following are the contra accounts, ठीक है, contra account except, वो कहता है जी सारे contra हैं लेकिन इसके अलावा। तो देख लेते हैं कि हमारे contra accounts कौन से होते हैं। ये देखें, आपको अगर कहीं पे भी मसला पेश आए आप अपने जाएं contra accounts में, ठीक है, आपको वो बताएगा कि contra accounts कौन से होते हैं, ठीक है। Drawing is the contra account of capital, ठीक है जी। तो ये देखें सेल्स हैं, ये परचेजेस हैं, इसके अलावा सेल्स रिटर्न है, ठीक है, ये सारे ये देखें इसमें ये सेल रिटर्न और उसने ड्राइंग्स अभी, तो प्रोविजन जो है ना वो कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं है। तो एक चीज़ आपको पता लग गई है कि पेपर नए नोट से आ रहा है अब। व्हेन फॉलोइंग अकाउंट्स इज डेबिट इफ सोल्ड, अच्छा जी वो कहता है जी क्या If sold goods on credit to ABC 8000 and for, तो कहता है जी क्या डेबिट, बोथ डेबिट और डेटर और क्रेडिटर दोनों डेबिट हो जाएंगे। यार कॉमन सेंस है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस जर्नल। क्रेडिट परचेजेस जो होती है ना, सारा कुछ नए नोट से पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, क्या क्रेडिट होना चाहिए बैंक कॉलम की कैश बुक में। अमाउंट डिपॉजिट जो हुई है वो क्या है जी, डिविडेंड रिसीव ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अमाउंट डिपॉजिट हो तो डेबिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड डेबिट में लिखते हैं, डिविडेंड रिसीव और डेबिट में लिखते हैं, अमाउंट विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक तो क्रेडिट में लिखते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू सोर्स ऑफ एन एंटिटी, सोर्सेज ऑफ एन एंटिटी। देखें सोर्सेज ऑफ एन एंटिटी, ये देखें ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सोर्सेज ऑफ एन एंटिटी। मैं आप लोगों को सिर्फ इधर से इसलिए दिखाना चाह रहा था, चलो एक दफा देख लो। ये देखो यार, ये लिखे हुए हैं सोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेज आर टेकन फ्रॉम ओमर एंड कैन सो बी बोरोड फ्रॉम द सोर्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। तो आपके क्या हैं, वो कहता है और दोनों होते हैं इसमें, ऑनर खुद भी होता है और टोटल लाइबिलिटीज भी होती है, समझ गए ना, लिखा हुआ था। सैलरीज एंड बेनिफिट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बिकम द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है सैलरीज एंड बेनिफिट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बिकम द पार्ट ऑफ, हमारे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होते, ये हमारे फाइनेंशियल भी नहीं होते, सेलिंग होते हैं, जो मार्केटिंग स्टाफ होता है ना वो सेल कर रहा होता है, तो सेलिंग एक्सपेंस। Which of the following is not an operating expense? Stationery है, repair है, salary है, loan, salaries and wages भी है, और loan from bank, ये तो यार liability होती है ना। अच्छा जी, which of the following entry will be passed to record dividend received on the behalf of the customer to update the cash book? तो जब हम बैंक रिसीव करेगा हमारे भी आफ पे रेंट, तो क्या डिविडेंड तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट। डिविडेंड अकाउंट पहली बात तो क्रेडिट होना है, पास टू रिसीव द डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द एस ए एंड कंपनी बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट और
डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट ले जनाब, इजी, पूरे 10 नंबर हैं इस बच्चे के।